गाइस हम पहुंच गए अच्छा बल मिस्टर शौकत साहब मुन्ना भाई तो क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शन सर अभी हम जा रहे हैं हमारा अभी की राइड जो है हमारी अभी हम पहुंचे अच्छा बल तो यहाँ से डायरेक्ट ही जाएंगे हम मरकंडा आपको हम दिखाएंगे बेस्ट प्लेस तो गाइस हम पहुंच गए यहाँ पे लगभग इसको नाम नहीं पता है क्या है तो फिर भी यहाँ से लगभग अभी 20 किलोमीटर है नहीं अभी जो खान साहब आ रहे हैं तो उसने क्या बोला आपको जो भी थोड़ा ही है उसके लिए थोड़ा है लेकिन हमारे लिए बहुत है ओके हम यहाँ तक पहुँच गए तो फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कह सकते कितना टाइम लगेगा यहाँ से तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं 20-25 किलोमीटर से गया ओके इंशाल्लाह मिलते हैं तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं तो ये यहाँ पे हमने दूसरा एक बड़ा डाल दिया अभी हमारा एक बाइकर अभी बाकी है यहाँ पे ये आनंद लेते हुए मिस्टर शौकत दिलकश मंजर है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारे बंदे गोतु साहब कहाँ पे है आप देख सकते हैं ये कहाँ पे है शायद ये बाइक प्रॉब्लम चल रही है मेरे ख्याल से तो अभी वो रिश्ता देखते नहीं एक्चुअली थोड़ा सा है कुछ मसला है एक बंदा बाइक पे तो है लेकिन दूसरा कुछ देख रहा है नहीं 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 आगे आगे दोनों आगे दोनों आगे दूसरा बंदा भी बाइक पे चढ़ गया तो ये बाइक उन्होंने नहीं बाइक उन्होंने स्टार्ट कर दी तो ये आ रहे हैं इनकी वजह से हमें बहुत नुकसान देना पड़ा बहुत नुकसान तो फाइनली इन्होंने भी ये बड़ा पार कर ही लिया बड़ी मेहनत मशक्कत करके तो फाइनली
गाइस, ये आ गए हमारे बंदे जिनकी वजह से हम बहुत परेशान हुए थे, लेकिन बाइक खराब हो गई फिर से। तो फाइनली यहाँ पे पहुंच गए दो बंदे और हमारे। फाइनली गाइस, दिस इज कॉल्ड मार्गन टॉप। कोकरनाग से राइट लेफ्ट साइड एक जगह आती है, लेफ्ट साइड से ऊपर जाना पड़ता है। तो यहाँ से और एक डेस्टिनेशन है ऊपर की ओर, शारनार बोलते हैं उसको शायद। तो इंशाल्लाह उधर जाएंगे। तो गाइस, फाइनली गाइस हम पहुँच गए मरगन टॉप। तो आप देख सकते हैं यहाँ का सिनेरियो। तो हम आगे बात करेंगे गाइड राहिल से। तो आगे हमें कहाँ जाना है? कौन सा साइड? यहाँ से। ओके, तो वहाँ पे क्या है आगे? तकरीबन एक घंटा डेढ़ घंटे का सफर। तो है क्या वहाँ पे? क्या है वहाँ पे हम दिखाएंगे, अगर अभी बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। चलो गाइस, तो आप वीडियो में बने रहेगा, तो देखेंगे आगे क्या मिलेगा हमें। तो आप देख सकते हैं ये हमारे गुरु साहब आ रहे हैं। नहीं, जब यहाँ तक ये नजारा देखते हैं तो इंसान को सच्ची में लग रहा है कि हम यहाँ पे रोज आएंगे। आप देख सकते हैं गाइस, गवर्नमेंट को अपील करते हैं एक लिफ्ट रखे यहाँ तक, लिफ्ट या पोनीज का इस्तेमाल या चॉपर्स का इस्तेमाल। चॉपर नीचे रखे क्या आएंगे? गाइज, आप देख सकते हैं जुलाई का मौसम चल रहा है और यहाँ पे बर्फ। बहुत ही उम्दा नजारा, बहुत ही उम्दा नजारा। मारगन टॉप से आगे तो यहाँ पे अपने शौकत भाई कह रहे हैं कि बस यहाँ तक ही हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग का भी इफेक्ट इतना ज़्यादा है जैसे फ्रीजर में बैठे हैं बंदे। फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ से बर्फ में चलने का नज़ारा। हाँ, ओसम। आप देख सकते हैं जुलाई में बर्फ में चलने का मज़ा। तो ये पहला एक लेक है यहाँ पे, लेकिन सर्दी की वजह से ये पूरा जम गया है यहाँ पे। तो पूरा हमारा कॉफ आ रहा है फोर गाइस बिहाइंड मी। तो फिसलन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लगभग यहाँ से यहाँ तक आते आते लगभग मैं 5-8 दफा फिसल गया। तो आप देख सकते हैं गाइस, सांस कितनी फूल रही है यहाँ पे। तो बंदे कहाँ है आगे? बंदे भी देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो भी बंदे आते हैं तो बोतल यहाँ पे ऐसी फेंकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यस जगह को ज्यादा पोल्यूट मत करो, ज्यादा नहीं। सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये जगह जो है अल्लाह ताला की कुदरत से हम सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है? अल्लाह
ताला ने जो ये बनाया है कुदरत हमारे लिए बनाया, लेकिन आधे लोग यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे पोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए आप कितने बोतल सब लूट रहे हैं, ये देखिए आप। तो मेहरबानी करके ये मत कीजिएगा प्लीज। ऑक्सीजन छो कम। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कितने बोतल जमा कर दिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं पब्लिक से कि यहाँ पे ज्यादा ये पोल्यूट ना करें, ये जगह इसको क्लीन रखिए। तो गाइस पहुंच गए हम फाइनली, ये एक पड़ाव हमारा पड़ाव था वो हमने कंप्लीट किया यहाँ तक। तो अभी हम स्टे करेंगे करनाल में, वहाँ पे थोड़ी सी चाय हो जाएगी, थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी हमें एनर्जी, देन उसके बाद बैक नज़ारा एंड शेयर सम पिक्स। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने एक पड़ाव यहाँ पे भी डाल दिया। तो गाइस लग रहे हैं कि बहुत सारे थके हुए हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं आप देख रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हम पहुंच गए अभी रात के, कितना टाइम क्या हो गया भाई, कितना टाइम हो गया अभी रात के नहीं है अभी है 8:30। हाँ पौने नौ पहुंच गए हम ये वोइलू कोकरमा का फुल मून साइट।